दिल्ली एक्सप्रेस पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी 3 जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। इसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया है। कोर्ट ने इस पर फैसला किया है कि क्या मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। हालांकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। जब तक उस मामले में कोई फैसला आएगा, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला देते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दे दी है। पीएमएलए पर कानूनी मामलों के मद्देनजर केस की बड़ी बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का सवाल है। चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा जेल में बंद है। वो एक निर्वाचित नेता है, ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये अंतिम बेंच जो मिला, तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? क्या केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है।